पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बवाल हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने महंगाई बम फोड़ते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस समिति ने शांतिवन में देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 58वीं पुण्यतिथि पर संस्मरण कार्यक्रम आयोजित किया। दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा के वंतीपोरा में बीती रात आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में दो दहशतगर्दों का खात्मा कर दिया गया। वहीं कश्मीर घाटी में 3 दिनों में 7 आतंकी मारे गए हैं। बागपत के बछौड़ गांव में जहर का सेवन करने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बागपत के जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया, हमने मामले की जाँच क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। ट्विटर 6 वर्षों से यूजर्स का डाटा गोपनीय रखने में नाकाम रहने पर $15 करोड़ का जुर्माना अदा करने पर राजी हो गया है। चारधाम यात्रा में विकट भौगोलिक परिस्थितियों के चलते श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला जारी है। चारधाम यात्रा शुरू होने के 24 दिनों के भीतर 83 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर में एक बस 25 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में अलग अलग इलाकों में आग लगने का सिलसिला जारी है। अब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आज सुबह भीषण आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के जयपुर में एक अजायब घर का नाम खजाना महल रखा गया है। इसमें न्यूयॉर्क आधारित गहना रजनीकांत शाह का संग्रह है। पत्थरों से लेकर गहनों तक म्यूजियम ने हर चीज का वर्णन किया है। गुडविल्स के स्टार रे लियोटा का निधन हो गया है। 67 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन की खबर से हॉलीवुड स्टार ही नहीं, फैंस भी काफी शॉक्ड है।